आज बनाते हैं आसान सी लोबिया की सब्जी, जिसे पंजाबी और डोगरी में रोंगी भी कहते हैं। मैंने 1.5 कप लोबिया जो है रात भर भिगो के रख दिया था। अच्छा सॉफ्ट हो गया है, फूल गया है, अब हम इसे बॉईल कर लेंगे। इसलिए मैंने इसे डाल दिया है कुकर में और डाल देंगे थोड़ा पानी। पानी हमने बहुत ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि रोंगी की जो यहाँ की लोबिया की जो ग्रेवी है वो बहुत कम होती है, ज़्यादा होगी तो टेस्टी नहीं लगेगी। और पानी का लेवल इतना ही रखना है जितना लोबिया का लेवल है, उससे आधा इंच ऊपर हो पानी। ज़रूरत होगी तो हम बाद में ऐड कर सकते हैं। डाल देंगे थोड़ा सा नमक, यहाँ मैं केवल थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ, बाकी नमक मैं मसाला भूनते हुए डालूँगी। और चुटकी भर डाल देंगे हल्दी, हल्दी भी हम दोबारा मसाले में भी डालेंगे। बिल्कुल थोड़ी सी हल्दी डाली है मैंने यहाँ पर। और डाल देंगे एक तेज़पत्ता, जिसका जब हम बॉयल करेंगे लोबिया को तो उसका फ्लेवर अच्छी तरह से पानी में आ जाएगा। एक हरी मिर्च रख दी है मैंने, आप चाहें तो 2 या 3 जितनी भी आपको पसंद हो रख सकते हैं। 2 टमाटर ले ली हैं जिसको डंठल वाली साइड से मैंने काट दिया है, ऊपर क्रॉस लगा दिया है, क्रॉस का कट। और ऐसा करने से टमाटर भी हमारे पक जाएंगे जब तक हमारा लोबिया जो है बॉयल होगा। उससे क्या है हमारा मसाला जो है जल्दी तैयार हो जाएगा। कुकर कर देंगे बंद और हाई फ्लेम पे 1 विसल आने के बाद 4 विसल तक इसे लो फ्लेम पे पकाएंगे और उसके बाद स्टीम खुद ब खुद निकलने देंगे। और जब स्टीम निकल जाए तो कुकर खोल के हम जो मसाले हमने जैसे तेज पत्ता डाला था, मिर्ची और टमाटर निकाल लेंगे। मिर्ची और टमाटर मैं इनको बाद में काट के पीस के बीच में रख दूंगी। इस तरह से देखिए, टमाटर अगर आप छिलके खाते हैं तो छिलके भी बहुत आसानी से निकल जाएंगे। आप चाहें तो इसी में मैश कर सकते हैं, लेकिन मैं मसालों में इसे भूनूंगी, उससे ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। लोबिया बॉयल होने के बाद हार्ड नहीं होना चाहिए, अच्छी तरह से इस तरह से फिस जाना चाहिए। ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट हो गया है। तो चलिए अब लगा लेते हैं तड़का। इसके लिए मैंने ले ली है कढ़ाई और उसमें डाल दिया है लगभग 2 टेबलस्पून तेल। तेल बहुत ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने मसाले इसमें ब्राउन नहीं करने हैं। तेल गर्म हो जाए तो डाल देंगे जीरा, यहाँ मैंने 1 टीस्पून जीरा डाल दिया है। जीरा चटक जाए तो डाल देंगे 1 बारीक कटा हुआ प्याज और इसे भून लेंगे, लेकिन इसका रंग बदलने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, हल्का सा सोते करेंगे। और साथ ही हम डाल देंगे यहाँ पे थोड़ी सी हींग चुटकी भर और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हमें प्याज को अच्छी तरह से भूनने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, इसका रंग भी बदलने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए हम इसे थोड़े तेल में भी बना सकते हैं। प्याज हल्का सा भुन जाए, ट्रांसलूसेंट सा हो जाए, तो हम डाल देंगे इसमें लहसुन और अदरक। यहाँ मैंने 1 टीस्पून ले लिया है लहसुन बारीक कटा हुआ और 1 ही टीस्पून ले लिया है अदरक, उसे भी बारीक काट लिया है। अब इसे हम जब तक इसकी स्मेल ना चली जाए अदरक और लहसुन की, थोड़ा सा पक जाए तब तक हम इसे पकाएंगे। और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नमक ताकि हमारा मसाला जो है अच्छी तरह से पक सके। कर देंगे मिक्स और थोड़ी देर इसे भून लेंगे ताकि अदरक और लहसुन जो है वो अच्छी तरह से पक जाए। उसके बाद डाल देंगे 1 टीस्पून, यहाँ मैंने रेड चिल्ली पाउडर डाल दिया है, 1/4 टीस्पून हल्दी का पाउडर, और इसे भी अच्छी तरह से भून लेंगे। हल्दी और मिर्च को अच्छी तरह से भून लें तो उसका कलर जो है अच्छा निकल के आता है। तो इसको अच्छी तरह से भून लिया है मैंने। मसाला थोड़ा सा भुन जाए तो मैं इसमें डाल दे रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च 1 टीस्पून, जो मैंने घर में ही पीसी है, थोड़ा सा सरसों का तेल डाल के, और इससे थोड़ा सा रंग अच्छा आ जाएगा। इसे भी अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। देखिए आप तेल अगर इससे ज़्यादा डालना चाहें डाल सकते हैं, लेकिन इतने में भी हमारी सब्जी बन जाएगी। उसके बाद जो हमने बॉयल किए थे लोबिया, उसके साथ हरी मिर्च और टमाटर को भी बॉयल किया था, वो डाल दिया है बारीक काट के। अब हम इसे अच्छी तरह से मसालों में भून लेंगे ताकि उनका फ्लेवर जो है टमाटरों में भी अच्छी तरह से आ जाए। आप चाहें तो यहाँ थोड़ा सा पानी डाल के भी कर सकते हैं ताकि कढ़ाई के साथ जो मसाले चिपक गए हैं वो भी मसालों में मिक्स हो जाएंगे। यहाँ मैं थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ, 1 से 2 टेबलस्पून, बहुत ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। इससे क्या होगा, जो कढ़ाई के साथ हमारे मसाले चिपक रहे थे वो चिपकना बंद हो जाएंगे और मसाले भी अच्छी तरह से भुन जाएंगे। अब ये पानी सारा रिड्यूस होने तक हम इसे भूनेंगे और उसके बाद डाल देंगे लोबिया जो हमने बॉयल करके रखा है।
और इस टाइम आप इसमें पानी एडजस्ट कर सकते हैं, कम या ज़्यादा जितना भी आपको और चाहिए डाल सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा पानी मत डालिएगा, लोबिया में बहुत ज़्यादा पानी अच्छा नहीं लगता है। अब मैं इसे ढक के थोड़ी देर के लिए पका लूँगी ताकि जो मसाले हैं वो अच्छी तरह से लोबिया में असर कर जाएं। थोड़ी देर के बाद इसे ढक के खोल लीजिए और पानी की ज़रूरत हो तो यहाँ डाल सकते हैं आप। यहाँ मेरा पानी कम है तो मैं थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करूँगी। पानी को थोड़ा सा वार्म कर लीजिए ताकि टेम्परेचर एकदम से लो ना हो, और उसके बाद डालिए और इसे फिर मैं थोड़ी देर के लिए ढक के बॉयल होने तक पका लूँगी, 1 से 2 मिनट तक। तो लीजिए, हमारा लोबिया बिल्कुल बनकर तैयार है और बहुत ही आसान है बनाना, झटपट से बन जाता है। और गार्निश कर दीजिए इसे गरम मसाले के साथ। मैं लास्ट में ही डालती हूँ गरम मसाला, उससे फ्लेवर अच्छा निकल के आता है गरम मसाले का। और साथ में डाल देंगे हरा धनिया कटा हुआ फ्रेशनेस के लिए, और देखने में भी अच्छा लगता है। और चाहे तो इसे 1-2 मिनट के लिए और पका सकते हो। तो लीजिए, लोबिया की आसान सी रेसिपी बनकर तैयार है, आप भी इसे ट्राई करिएगा। जल्दी मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।